आगामी बकरीद के त्योहार तथा मस्जिदों पर साफ सफाई को देखते हुए नगर निगम की तैयारी पूरी है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि बकरीद के त्योहार को मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 45 जगहों पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। वहां पर जानवरों से अवशिष्ट निकलता है, उसको ले जाने के लिए गाड़ी पर ड्राइवर, हेल्पर, सुपरवाइजर, एरिया इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है और 10, 11, 12 तारीख पर अलर्ट कर दिया गया है। मस्जिद और ईदगाह पर साफ सफाई, चूना, घोल, छिड़काव एवं फॉगिंग के लिए निर्देशित कर दिया गया है। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में खुले जगह पर जानवर की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और जो 45 जगह कुर्बानी के लिए चिन्हित हैं उसके अलावा कहीं पर भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जानवर के अवशिष्ट को ढकने के लिए ट्रिपल नमक लोहे की चादर की व्यवस्था की गई है। जानवर के अवशिष्ट जहां पर दबाया जाएगा वहां पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहां पर भरपूर गहरा में नमक डालकर मिट्टी से दबाने के बाद अच्छी तरह से टाइट किया जाएगा कि कोई पशु या कुत्ता उसे खोद कर अवशिष्ट को बाहर ना निकाल पाए। उन्होंने बताया कि नगर निगम से पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं तथा जलकल विभाग को भी सूचित कर दिया गया है कि 3 दिनों के लिए 24 घंटे लगातार हाई प्रेशर के साथ पानी को चलाएंगे। इससे कहीं पर भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, आगामी बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर 6 तारीख और 7 तारीख को नगर निगम के संबंधित समस्त अधिकारीगण और कर्मचारीगण के साथ बैठक करके पूरी विस्तृत रणनीति तैयार कर ली गई है। गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत 45 जगहों पर कुर्बानी दी जाती है और वहाँ पर जो अवशिष्ट निकलेगा उसको ले जाने वाले गाड़ी, कौन उस गाड़ी पे ड्राइवर होगा, कौन उसका हेल्पर होगा, उस एरिया में कौन सुपरवाइज़र रहेगा, कौन इंस्पेक्टर रहेगा, इन सभी लोगों की लिखापढ़ी में ड्यूटी लगा दी गई है और 10, 11 और 12 के लिए उनको अलर्ट कर दिया गया है। साज और सफाई के लिए, चूना मेल्थियन घोल के छिड़काव के लिए, हॉगिंग के लिए कल की बैठक करके सभी को बता दिया गया है कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और जो 45 स्थल कुर्बानी के लिए चयनित हैं उसके अलावा किसी अन्य जगह पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और जो हमारे रूट निर्धारित किए गए हैं उस रूट से लेकर ही वहाँ पर जो जहाँ पर इनको दबाया जाना है वहाँ की भी पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है और उस तैयारी को देखते हुए हमारी टीमों ने पूरी की कैसे उसमें नमक जो उसको ढकने के लिए जो अन्य जो तिरपाल लोहे के नीचे लगाने वाली चादरें, अन्य जो भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं सभी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं और इसके साथ साथ जो जहाँ पर इनको दबाया जाएगा 24 घंटे के लिए वहाँ पर भी ड्यूटी लगा दी गई है। सतत निगाह रखेंगे और इस प्रकार से उतने गहरे में और इतने कायदे से नमक डालकर और उसके ऊपर दबाने के बाद मिट्टी से अच्छी तरह उसके ऊपर मलबा भी डालकर कायदे से इस प्रकार से टाइट कर देंगे कि कोई भी पशु आदि उसको जो है खोद कर अवशिष्ट को बाहर ना निकालने पाए। तो नगर निगम की सभी तैयारियां पूरी हैं, जलकल विभाग को सचेत कर दिया गया है और उनको बताया गया है कि वो जो है उस दिन 3 दिनों के लिए 24 घंटे लगातार हाई प्रेशर के साथ पानी को चलाएंगे जिससे कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और सभी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उसमें मुस्लिम जो हमारे धर्म के हमारे कर्मचारी हैं उनको कहा गया है कि वो आना चाहें तो ड्यूटी पे आ सकते हैं, बाकी अन्य सभी जो इससे जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी कैंसिल कर दी गई है। सभी लोग अपनी ड्यूटी पर रहेंगे, 3 जगहों पर कंट्रोल रूम चलते रहेंगे, एक पुरानी बिल्डिंग पर, एक नई बिल्डिंग पे और एक कैंप ऑफिस पे। वहाँ पर लगातार हमारे जो 8-8 घंटे के हिसाब से ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं, सभी लोग ड्यूटी पे मुस्तैद रहेंगे। कहीं से भी कोई सूचना आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हमारे मुस्लिम क्षेत्रों के जो सुपरवाइज़र हैं, जो इंस्पेक्टर हैं,
उन्होंने दो दो गाड़ियां अलग से, मैं जो है सफाई कर्मियों के, वो अपना इमरजेंसी गैंग भी उन्होंने तैयार कर लिया है, कहीं से कोई सूचना आने पर उस पर भी एक्शन होगा। इसी प्रकार से इमरजेंसी गैंग वाली गाड़ियां जो हैं नगर निगम में भी रहेंगी, जिससे कि तत्काल कहीं कोई सूचना मिलेगी उस गाड़ी को दौड़ाकर उस समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। इस प्रकार से नगर निगम की एक जो रणनीति के हिसाब से तैयारियाँ जो हैं ठीक तरीके से चल रही हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी।